नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं टी न्यूज लाइव के समाचारों में। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। गाजीपुर कोर्ट ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गुरुवार को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया। आपको बता दें कि साल 2010 में करंडा थाने में 2 मामलों में गैंग चार्ट बनाए जाने के बाद गैंगस्टर मामले में भी दोषी करार दे दिए गए हैं, जबकि मूल मामले में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके हैं। ऐसे में क्या कारण है कि मूल मामले में बरी हो जाने के बाद भी गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को सजा दी जा रही है? इस बात को लेकर शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट के द्वारा 3री बार सजा सुनाई जाएगी, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल की हो सकती है। वहीं मूल मामले में बरी होने के बाद फिर गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी होने के मामले पर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि गैंगस्टर का प्रावधान जो किया गया है वह उस समय तक जो भी धारा है और अपराध के लिए अभियुक्त का ट्रायल होता था, वह गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण अभियुक्त के भय के कारण उन मामलों में बरी हो जाते थे। गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान इसीलिए लाया गया कि वास्तव में जो लोग अपराधी हैं और गैंग का संचालन करते हैं, जिसके प्रभाव से समाज में दहशत होती है, ऐसे लोगों के विरुद्ध मजबूत कार्रवाई की जा सके, इसीलिए गैंगस्टर एक्ट का प्रावधान किया गया। गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण से अभियुक्तों को लाभ मिल जाता था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि गवाह किस कारण से पक्षद्रोही हुए। यदि अभियोजन यह सिद्ध कर देता कि अभियुक्त डर की वजह से गवाह पक्षद्रोही हुआ तो इस कारण इन्हें सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आज के लिए बस इतना ही। टी न्यूज लाइव देखना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।